अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ जी मेरी बहनें मेरे भाई सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। और जी आज सुबह सुबह कहाँ पर हूँ मैं, ठीक है? आप लोगों को तो पता था, पिछला व्लॉग अगर देखा है आप लोगों ने तो हमारे सामने इस टाइम है जी इतनी खूबसूरत जगह। अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी ये सिर्फ स्टार्टर है, क्योंकि जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था ये उसके सामने वाली जगह है, सारी सही है, पानी वगैरह। और ये बिल्कुल मतलब एक अंत की जगह है यार, मतलब बस क्या बताऊँ, हवा सही चल रही है, ठंडी ठंडी, फुल सुकून वाला माहौल है, सही है, कोई आलूगी नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बाकी सीन अभी ऐसा है कि आप लोगों को बताया था मैंने हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, अभी एग्जैक्ट अंकल से पूछते हैं हम लोग किस जगह पे हैं, अंकल हमें बताएंगे सारा, और यहाँ से आगे कौन कौन सी खूबसूरत और भी हैं जगहें वगैरह सारा पूछते हैं। तो साथ ही अंकल अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा सा बताएं इस बारे में अभी हम कहाँ पर हैं और आगे कौन कौन सी प्यारी प्यारी खूबसूरत जगह। हम लोग जो है मेन दुनियाल के अंदर हैं, अच्छा, वादी नीलम आज़ाद कश्मीर, और ये हमारे सामने दरिया नीलम है। सही, ये आप देखें पूरे अपने जोर के साथ और पूरे अपनी ताकत के साथ बह रहा है ये, बिल्कुल। और अभी यहाँ पे मौसम भी काफ़ी अच्छा है, धूप निकली हुई है, और इससे आगे फिर भी हैं पॉइंट है काफ़ी सारे हैं, शारदा है, केल है, अड़ंग केल है, बिल्कुल, और ताऊबट है, रत्ती गली है, बेशुमार पॉइंट्स हैं, बिल्कुल। इनमें से चार में तो हम लोगों ने जाना है, चार ना भी हो सका तो तीन में लाजमी जाना है। और टाइम अभी देखें तो टाइम हो रहा है जी तकरीबन 11:57 हो रहे हैं, और हम लोग अभी तक होटल से निकले ही नहीं है। और कम ये आप लोग चेक करें यार, ये सामने जो पहाड़ है ना, इधर जब क्या होता था बताना, इंडिया की तरफ से फायरिंग होती थी, बमबारी होती थी, और लोग यहाँ पर मतलब हम लोगों ने बैरिकेड्स बनाए हैं अपने सेफ्टी के लिए। जाकर देखिए जरा अंदर, कहाँ जा सकते हैं बंदा, चेक करते हैं यार, एक मिनट दरवाजा बंद है, ओए 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 ओए, इसे खुला लो, अपने आगे आगे गैस रखी हुई है ना, गैस रखी हुई है, बकवास मत करो, मुश्किल गुजारा होता होगा, मुश्किल क्या उस वक्त तो बहुत बड़ा मसला हो जाता है, ख्याल रखें, मेहरबानी, शुक्रिया, शुक्रिया, मेहरबानी। चलते हैं जी जाकर, अब सीधा मिलते हैं आप लोगों को किसी होटल में नाश्ता वाश्ता करते। अच्छा जी अभी हम आए हैं नाश्ता वाश्ता करने, ठीक है, इधर तो गर्मी उसी तरह ही हो रही है आहिस्ता आहिस्ता यार, लेकिन कोई नहीं, व्यू को तो एंजॉय करना है ना, व्यू को तो एंजॉय करना है। अभी बस नाश्ता वगैरह मंगवाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद सीधा आगे निकलेंगे, घंटे डेढ़ का सफ़र है वो तय करके, फिर ही बहुत ही खूबसूरत मंजिल है, आए हाय हाय क्या मज़ा आएगा। चेक यार खाना शाना मंगवा लिया, सही है, और खाने में हमारे पास पराठे हैं, अंडे हैं, चने हैं, साथ चावल वगैरह हैं, ये जो मैं नहीं छोड़ता होता है, काली मिर्च है, साथ जो व्यू है ना नाश्ते के, आए आए आए, साथ ये साथ मेरे चावल फेवरेट, सही है जी, अंडा, चने, पराठे, ये वो सब कुछ है, ये खा कर उसके बाद निकलते हैं। तो बस अभी फ़िलहाल जल्दी मुकाना है, भूख लगी है बड़ी शदीद। हाय हाय हाय, सड़कें देखें उस्ताद जी, किथे आ गया ने, ओए 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 ओए, ये पता नहीं भाई कहाँ जाई जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, और पानी की आवाज सुन के तो और खौफ आ रहा है ना, पता नहीं क्या होगा, खैर इंशाल्लाह अच्छे पहुंच जाएंगे यार, यहाँ पे 11 घंटे सफर किया है, वहाँ पे 3-4 घंटे कुछ भी नहीं होता, लेकिन यार व्यू है, ओए 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 ओए, मजा आ गया, पैसे पूरे हो रहे हैं उस्ताद, खैर पैसे के बस सही है, जाने तो, उतराई आ गई। यार अभी शारदा पहुंच गए हैं, ठीक है, ड्राइव कर कर के ना भाई लोग, मतलब हम गाड़ी में बैठ बैठ के भी थक गए हैं, ठीक है, जेन्युइन जो बात है। तो अभी ये शारदा पहुंचे हैं, सही है, और यहाँ का जो सीन है वो मैं आप लोगों को एक सेकंड दिखाता हूँ, बस एक छोटा सा काम है।
वो करना है, उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। छोटे सजावल बकरी का दूध पीने लगे हैं यार, अभी पता है थक गए हैं बहुत, तो दूध तो लाजमी है, दूध और चाय। ऐसा ही है शेख साहब, दूध नहीं है यार, तेरा खान है दूध नहीं है यार, बकरी भी तू खाली रखी है आपने तेरा चेहरा यार, ये तो बड़ा बैठ, शुक्रिया शुक्रिया, चल आगे और मिल जाएंगी ना, चलते हैं यार, कोई दूध छूट पीना है आगे से, थोड़ा सेहतमंद होना है, क्योंकि शेख साहब सफर कर कर के हम लोग चलो यार चलते हैं। आए पैसे पूरे हो रहे हैं जी, ओए होए 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 होए, मैं कहता हूँ यार किस जगह आ गए यार हम लोग, किस जगह आ गए यार, एंड लेवल यार, एंड लेवल, ओए होए 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 होए, मजा मजा उस्ताद जी, चेक करो यार आगे जाते हैं, आगे जरा रास्ता खराब है तो गाड़ियां ना थोड़ा स्लो स्लो जा रही है, चेक करते हैं कौन सी जगह खराब है, वो ये पानी तो तेज है यार, देखते हैं खैर क्या बनता है, लेकिन जगह यार पैसे पूरे करा रही, माशाल्लाह माशाल्लाह यार, अल्लाह तेरी कुदरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यार सुभान अल्लाह। शारजा से खेल का रास्ता है और यहाँ पर जो पोजीशन है इस टाइम, ये आप लोगों के सामने है, सही है, ये आप लोग देखें, मतलब गाड़ियाँ बिल्कुल जाने का तो चलो हो गई, वापसी का ये हाल सामने आप लोगों का, ठीक है ये सामने, अब पता नहीं क्या होगा, समझ नहीं आ रही, हम तो गाड़ियाँ ले हैं लेकिन अल्लाह खैर करे, ये देखें जुल्म है यार गाड़ियों के साथ, नुकसान से बचते बचते हम लोग अब जा रहे हैं जी जीप करवाने, जीप करवाएंगे यार दोबारा घंटा डेढ़ नीचे जाकर फिर जीप करवा के फिर ऊपर आएंगे, मतलब मैंने आपको बताया ना फार ही फार है, जहाँ पर भी गए चैन से नहीं गए, हमेशा कुछ ना कोई मुसीबत आई है, चलो कोई नहीं, क्यों जी ठीक बात है जी, चले चलते हैं जीप वगैरह करवाते हैं, उसके बाद दोबारा ऊपर आएंगे, छोड़ना नहीं है पॉइंट यार, आना है लाजमी आना है, क्यों अली भाई, कंफर्म आना है, आना है ना लाजमी, कंफर्म आना है, 99% आना है इंशाल्लाह यार, फाइनली अभी निकलने लगे हैं बस थोड़ी देर में, जीप वगैरह बुक करा ली, और ये हमारे कोई जानने वाले थे, उन्होंने हमारे लिए इंतज़ाम किया हुआ था कुछ फ्रूट्स का, सही है जी, तो ये थोड़ा बहुत खा कर निकलते हैं, और अभी साथ फैमिली है तो मैं वो वाला टेबल भी नहीं दिखा सकता, तो अभी फ़िलहाल यही टेबल इन्जॉय करें, सही है, और निकलते हैं बस, जीप वगैरह बुक करा ली है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए निकलेंगे, और इंशाल्लाह पहुँच कर आप लोगों को बताते हैं कौन सी जगह है और कहाँ पर जाना है, बस थोड़ा सा टाइम और दें, और अल्हम्दुलिल्लाह जी फ्रूट वगैरह खा लिए, साथ हमारे अली भाई कराची के किंग, सर सुनाएं सफ़र यार अली भाई, बहुत अच्छा नहीं गुजर रहा यार, A1 गुजर रहा है भाई, देखें दरिया के किनारे हम बैठ के चाय पी रहे हैं, इससे अच्छा और इससे अच्छा और क्या गुजर रहा है, ये मौसम कश्मीर की वादी, दरिया का किनारा, और हाय 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 दूध पत्ती चाय, मेरे लिए तो बस एक चीज़ की कमी है, आप लोगों के लिए कोई भी नहीं है हर चीज़ है, अम्मी अब्बू से बात करें, नो कमेंट्स यार, लेकिन भाई मैं कहता हूँ मज़ा आ रहा है यार, उसी जगह दोबारा वापस आ गए हैं, और अब सफ़र जीप पे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि गाड़ी जाना बहुत मुश्किल है, जा तो सकती है लेकिन यह फिर गाड़ी की तबाही हो जाती है ना, तो गाड़ी से जुल्म भी नहीं करेंगे और अपना एंजॉय भी करेंगे, तो बस थोड़ा सा आगे सफ़र जैसे स्टार्ट होता है ना, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाए दोबारा, क्योंकि एनर्जी डाउन होती जाती है जब जब शाम होती है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अब सफर ठीक है आगे, अब दोबारा दरमियाना हो जाएगा सफर, बीच में जगहें आती हैं यार ऐसी काफी आती हैं, कोई नहीं, लेकिन
करेंगे करेंगे एंजॉय करेंगे यार, इस दफ़ा नहीं छोड़ना कुछ भी। यार फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन मेरे सामने है और देख करना यकीन करो, ऊपर जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं तो उतने उतने ना अल्लाह ताला हमारे ना बड़ी हेल्प कर रहे हैं। तो हम अभी ऊपर आए ही हैं तो हमें ऐसा एक रूम मिल गया कि बस बंदा कहता है यार इधर ही रहे हम। रूम जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, सबसे पहले ही आ जाता है जी टी वी लाउंज। ठीक है, ये टी वी लाउंज आ गया, सही है। साथ ही हमारे पास आ जाता है जी ये बेडरूम, ये बेडरूम। एक सेकंड में ना वाइड एंगल पे शुरू करता हूँ, आप लोगों को वाइड एंगल में दिखाता हूँ। ये रूम आ जाता है, सही है जी। सबसे पहले साथ ये भाई आपका इधर बैठ के ना वीडियोज़ बनाएगा रील शील फिट सी शेख साहब के साथ, और बाहर निकलते हैं तो ये टी वी लाउंज आ गया, सही है। और उसके अलावा ये एक और रूम आ गया, सही है। इधर भाई जी फुल स्मैगी मॉल, मतलब फुल आर्मी वाला सीन है, सही है। आर्मी का गेस्ट हाउस है ये, कुछ शेख साहब की रेफरेंस, मतलब सारों की ना मिक्स करके सिवाय मेरे सब की रेफरेंस थी, तो हो गया सीन गुड। बाकी इंशाल्लाह आप यहाँ से ना सुबह निकलना है, सुबह कहाँ निकलना है मैं भी आप लोगों को बताऊँगा। सुबह यहाँ का व्यू दिखाएंगे आप लोगों को अगले ब्लॉग में, अभी बस खाना शाना खाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। फिर उसके बाद एडिट करना है, ब्लॉग अपलोड करना है, बड़े काम होते हैं, बस थोड़ा सा टाइम दें, खाना खाने चलते हैं। खाना वगैरह आ गया है और खाने में हमारे पास है जी पुलाव, सही है जी। साथ है जी चिकन, साथ आ गई रोटियाँ। खाना खा कर दस्ती निकलना है जी बाहर, क्योंकि घर बैठ बैठ के बस, क्योंकि बैठने हम नहीं आए हैं घर, हम लोग फिरने टूरने आए हैं, फिरने टूरेंगे घूमे फिरेंगे, सही है जी। चलते हैं बस खाना खाना खा कर आप लोगों को बताते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना वगैरह खा लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं जी कॉफ़ी वगैरह कोई पीने, देखते हैं क्या सीन बनता है, चाय शाय या कॉफ़ी। चाय तो पी ली है, अब कॉफ़ी की बारी है मेरे ख्याल में। निकलते हैं और साथ हमारे फैमिली पूरी है, लेकिन जो जो क्लिप्स बन सकते हुए मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा आप लोगों को क्या क्या इधर शुगल मिला। असल शुगल सुबह ही है भाई, सीनरी वगैरह फुल फुल स्मैगी की सीनरी। चलते हैं, लेट हो रही है, लेट हो रही है, नींद भी बड़ी आई है। पर अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना वगैरह खा लिया था और जैसे आपको बताया था, और अभी पीने आए हैं जी शेक। शेक पी कर डायरेक्ट सोने जाएंगे जी रूम में वापस, क्योंकि नींद बहुत जोर की आई हुई है, मतलब बहुत ज़्यादा आई हुई है, तो इस वजह से सुबह फिर निकलना है। तो शेक चेक करते हैं यार कैसा है। सही है, दरमियाना है बस, ठीक है, बस झूठा हो गया यार। अभी शेक वगैरह पी कर फारिग हुए हैं और अब बस नींद अरूज पे है, ठीक है। आज का व्लॉग एंड करते हैं, उम्मीद है व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और मेरे लिए भी दुआ करिएगा कि खैर खैरियत से घर पहुँचें और मज़ीद कंटिन्यू करें ब्लॉग अच्छे अच्छे, ठीक है जी। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह अगले व्लॉग, अल्लाह हाफ़िज़।